शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कभी उनके भरोसेमंद साथी रहे कुमार विश्वास ने बड़ा तंज कसा है। कुमार विश्वास ने केजरीवाल का नाम लिए बिना श्री रामचरितमानस की एक चौपाई के माध्यम से उनकी गिरफ्तारी को बिल्कुल सही ठहराया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा, यानी विश्व में कर्म प्रधान है, यहाँ जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। बता दें कि दिल्ली की शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आया था। उन्हें गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने 9 बार समन भेजा था, मगर वह ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। ईडी ने करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। 6 साल पहले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा था कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार का अंत तिहाड़ जेल के अंदर होगा, और आज यही देखने को मिल रहा है। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने घसीटते हुए हिरासत में ले लिया है। मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे जेल से सरकार चलानी पड़े तो चलाएंगे। उन्होंने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने की बात कही। मंत्री आतिशी ने हैरान करने वाला बयान देते हुए कहा कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, है और रहेंगे, यह केंद्र सरकार व भाजपा की साजिश है। ईडी के पीछे छिपकर भाजपा कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम है कि उन्हें सिर्फ केजरीवाल ही चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है, हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, हम आज रात ही सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं मंत्री सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन दिल्ली की महापौर डॉक्टर सैली ओबराय और वहां पहुंचे आपके विधायक ने ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है, लोकसभा चुनाव भी जनता लड़ेगी और भाजपा को जवाब देगी। वहीं आपके सारे बड़े विधायक कह रहे हैं कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। ईडी के पहुंचने से पहले ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आप नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंचने के बाद वहां सुरक्षा बलों की संख्या और बढ़ा दी गई थी। मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी कर रहे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद थी।